देखो बच्चों, तुर्त सप्ताह का एक चैप्टर है क्लास फिफ्थ में, परसेंटेज का काय का है, जिसको हिंदी में बोलते प्रतिशतता, जिसमें विवादी प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न हमने लिया आपका प्राथमिक विद्यालय हारू नगला में कक्षा पांच में, कक्षा पांच में 40 बच्चे थे, कुल कितने बच्चे थे, कुल बच्चे, कुल बच्चे हैं स्कूल में कितने बच्चे, 40। ध्यान से समझ लो, बहुत आसान है, कितने बच्चे हैं, 40। अब परीक्षा हुई सालाना की, वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक मतलब सालाना की, एनुअल, वार्षिक परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी, मतलब कि 100 में से 10 आए फर्स्ट डिवीजन, 60% बच्चों आए सेकंड डिवीजन द्वितीय श्रेणी, तथा 25% छात्र थर्ड डिवीजन तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, मतलब 10% तो फर्स्ट डिवीजन आ गए, 60% सेकंड डिवीजन आ गए और 25% थर्ड डिवीजन आए, पेपर हुआ 40 बच्चों का से। तो कह रहे हैं कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, क्या होता है, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, मतलब ये बच्चे तो पास हो गए, 10% 60% 25% किसने से 40%, लेकिन कुछ बच्चे फेल भी हुए, तो ये कह रहा है फेल कितने बच्चे हुए, ऐसे सवाल कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो कुल उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास छात्र, जिसमें फर्स्ट डिवीजन है, कौन कौन से है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है और थर्ड डिवीजन है, तीनों है, ये तो पास हो गए ना। तो फर्स्ट डिवीजन कितने हैं बच्चे, 10%, कितने 10%, सेकंड कितने 60%, और ये थर्ड डिवीजन कितने, इनको जोड़ो कितना हो गया 95% होगा, जोड़ो, मतलब कि 95% बच्चे पास हो गए इसमें 40 में से, बाकी कितने परसेंट रह गए, 5% रह गए हैं अनुत्तीर्ण छात्र। वेरी गुड, यहां तक सही दिमाग लगाया आपने, अनुत्तीर्ण छात्र परसेंटेज 100 में से निकाली जाती है, 100 में से घटा दो 95, कितना आया 5% बच्चे फेल हुए, कितने परसेंट हुए 5% निकाल लो, उसमें संख्या भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कितने बच्चे पास फेल हुए, अभी उनका 5% आया अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर 40 का 5% जो करा चुके सवाल, गुणा 5% की सवाल हम कराए सुबह कराए, हाँ तभी तो आगे चलता सवाल, 40 × 5/100, 0 से 1 0 ये कट गया, अब 5 एकम 5 दूनी ये कट गया, 2 एकम 2 दूनी कितना आया आंसर, कितना आया, 2 बच्चे फेल हो गए, इसका होता 38 बच्चे इसमें क्या हुए पास। थैंक यू वेरी मच।